देखते हैं कि हमारे आसपास जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट आपको हर घर के अंदर मिल जाते हैं, और डायबिटीज के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि मैडम इसके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि उसे हम जड़ से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी होने लगती है तो आप देखते हैं कि उसका इम्यूनिटी इतना वीक होने लगता है कि शरीर में और भी कई तरह की बीमारियां घर कर जाती है। तो आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बता रही हूँ जिससे आप दिन भर के अंदर कभी भी खाना खाने से पहले बस आपको लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रोजाना अगर आप इसका सेवन करने लगते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल जड़ से सफाया कर सकते हैं, और शुगर की बीमारी को आप बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे जिसकी वजह से कोई रोग आपके शरीर में नहीं आएगा। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप रोजाना खाना खाने से पहले इसको आप लेना शुरू कर दीजिए। तो शरीर के अंदर डायबिटीज होती है तब आप देखते हैं कि शरीर की ऊर्जा लेवल कम होने लगती है, उसी के साथ में आप कुछ ऐसे सिम्टम बहुत सारे लोगों में देखते हैं जैसे उनको आईज से रिलेटिव काफी सारी प्रॉब्लम होने लगती है, आंखों में धुंधलापन आने लगता है, आंखों में खुजली चलने लगती है, चश्मा लग जाता है, बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। तो इस तरह से आंखों की समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ने लगती है, उनको कम दिखने लगता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और उसको शुगर की बीमारी है तो आप देखेंगे कि उसका घाव हो जाए अगर तो जल्दी से बढ़ता नहीं है, वह और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जिसको शुगर की प्रॉब्लम है तो घाव भी उनके जल्दी से नहीं बढ़ते, तरह से उनके शरीर के अंदर ताकत नहीं रहती है, शरीर में और दर्द होने लगते हैं, यानी कि जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ता है तो आप देखेंगे कि उनको आर्थराइटिस की समस्या, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा महसूस होंगे, जैसे कि घुटनों का दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, इस तरह के दर्द उनको बहुत ज्यादा होते हैं। इस किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी होती है, ऐसे व्यक्तियों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, जब वो रात को सो जाते हैं तो सो जैसे नींद आ गई है लेकिन अचानक से उठेंगे और उनका मुंह पूरा सूखने लगता है, उनको लगता है कि मुझे पानी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को प्यास ज्यादा लगेगी, अचानक से मुंह सूखने लग जाएगा। इसके अंदर एक और सिम्टम दिखेगा कि जैसे मूत्र भी बहुत ज्यादा आएगा, बार बार आपको पेशाब करने की इच्छा होगी और पेशाब चिपचिपा हो सकता है, पीला हो सकता है, या कई व्यक्ति जब पेशाब करते हैं तो वहां पर जैसे कि पूरा निशान बन जाता है, सफेद सा जमने लगता है। तो ये शुगर के पेशेंट अगर कोई होंगे और वो अधिक बार पेशाब करेंगे तो ये सारे के सारे लक्षण भी दिखेंगे। ऐसे व्यक्तियों को या तो भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाएगी या फिर भूख बिल्कुल कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कब खाना है। वैसे ज्यादातर अगर डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो उनको बिल्कुल भूखा नहीं रहना है, उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उनको भूख लग रही है। तो जैसे डायबिटीज की अगर किसी को बीमारी होती है तो आंखों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, किडनी पर प्रभाव डालती है, पाचन पर प्रभाव डालती है, इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है, हार्ट को बहुत ज्यादा कमजोर बना देती है, और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल होता है तो वह भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि शरीर के और पार्ट को भी खराब करती है बीमारियां। तो आपको पहले समझना है कि हम जैसे कि सारी चीजों को भी बिल्कुल कंट्रोल कर सके, डायबिटीज को भी पूरी तरह से रिवर्स कर सके, तो आज मैं यहाँ पर जो नुस्खा बता रही हूँ उसे लगातार अपने जीवन के अंदर आप रखने लग गए तो डायबिटीज की बीमारी को आप बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि शरीर के अंदर रोग आने का सबसे प्रमुख कारण होता है आजकल जो आप दिनचर्या देख रहे हैं, लोगों का ना तो सोने का सही समय है, ना ही खाने पीने का समय है, ना ही वो स्क्रीन को कितनी देर उनको वॉच करना है ये भी उनको नहीं पता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों का जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस में नहीं रहते हैं, तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं, उनको भूख कब लग रही है, प्यास कब लग रही है उनको पता नहीं चलता है, पूरे शरीर के अंदर क्या वो खा रहे हैं उनको कुछ भी पता नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी होने लगी है जिसके कारण वो कुछ टेबलेट के थ्रू अपने न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनके शरीर के इम्यूनिटी सही रहे। लेकिन नेचुरल तरीके से हमें हमारे शरीर को बिल्कुल फिट रखना चाहिए, जैसे रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए, खान पान को बैलेंस में रखना चाहिए, सोने का एक समय बनाना चाहिए, उठने का एक समय बनाना चाहिए, हमें हमारे पूरे दिन भर के अंदर क्या क्या रूटीन के अंदर क्या क्या चीजें करनी है वह निर्धारित रहनी चाहिए। कभी कभार अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी रोज की दिनचर्या ही डिस्टर्ब है तो आपके शरीर में तीनों दोष डिस्टर्ब होते हैं, पाचन बिगड़ता है, इम्यूनिटी कमजोर होता है, इस बात को सबको समझना है। अगर ये किसी ने भी समझ लिया तो आप समझ लें कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और इस शरीर को अच्छे से चला पाएगा,
कोई बीमारी नहीं रहेगी, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है तो सबसे पहले दिनचर्या पर फोकस करिए कि आपकी किस तरह से दिनचर्या जा रही है। उसके बाद में आप कोई उपाय करिए, लगातार करिए। आज इस उपाय की बात मैं कर रही हूँ, उससे शरीर के काफी सारे रोग ठीक होंगे। जैसे धनिए का पानी के बारे में आपने सबने सुना होगा, लेकिन धनिए के पानी को जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले वही चीज ले लें। दिन भर के अंदर आपको जब खाना खाते हैं सुबह, तब आपको उसे एक बार लेना है। बस खाना खाने से पहले एक कप पानी बनाकर पहले आपको धनिए का पानी पी लेना है। जो सूखा हुआ धनिया आता है उसका पानी बनाना है। जैसे आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है, आधा चम्मच सिर्फ रोजाना आपको सूखा धनिया उसके अंदर साबुत डाल देना है। पानी को इतना बॉईल करना है कि वो एक कप पानी रह जाए। खाना खाने से पहले बस उस एक कप पानी को अगर आपने पी लिया, साथ में अगर आपने अपनी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित कर लिया, थोड़ा सा अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, योग कर लिया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूम करके आ गए, वॉक कर ली, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में डायबिटीज को आप रिवर्स कर रहे हैं, सारी बीमारियों को आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस पानी को बना लेना है, छान करके खाना खाने से पहले बस इसका सेवन आपको करना है। भोजन के अंदर ग्लाइसेमिक कम होना चाहिए, हमारा जो भी फूड होता है उसके अंदर इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। तो धनिए के अंदर इसकी मात्रा कम होती है, इसीलिए अगर हम इसको रोजाना लेते हैं काफी सारी बीमारियों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर तो इससे बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। जैसे आप धनिए का पानी बनाकर लेना शुरू करेंगे, अगर आपके पाचन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो वह बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा, यानी पेट की गर्मी को शांत करता है, पेट में अगर अल्सर हो जाते हैं तो उसको ठीक करता है, आपके पेट में ठंडक पहुंचाता है जिसके कारण बवासीर या किसी भी प्रकार की दिक्कत पेट संबंधित नहीं होती और पाचन एकदम से स्ट्रोंग बन जाता है। इसी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगता है। और शरीर के अंदर कोई भी बीमारी तभी आती है जब हमारा इम्यूनिटी कमजोर होता है, तो हमें हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहिए, तो ये पानी वह भी काम करेगा। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के जैसे कि जॉइंट्स पेन बहुत होता है, तो धनिए के अंदर कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर रोजाना ही हम इस आधा कप पानी को पी लेते हैं तो जॉइंट्स पेन अगर किसी को भी बहुत ज्यादा होता है तो उस पर कंट्रोल आने लगता है। आंखों के लिए धनिया रामबाण का काम करता है। जैसे धनिया को सुखाकर उसका पानी, अगर ठंडा पानी आंखों पर छिड़कते हैं तो ठंडक मिलती है, उसी तरह से अगर पेट के अंदर जाता है तो आईज से रिलेटिव कोई भी इश्यू नहीं होते। तो अगर आपको आईज से रिलेटिव कोई भी दिक्कत है, धनिए का पानी काम करेगा। इसीलिए जैसे कि डायबिटीज से जितनी बीमारियां और एक्स्ट्रा आ रही है उनको हम कंट्रोल करेंगे, साथ में ही डायबिटीज को भी कंट्रोल करेंगे, तो ये पानी वह भी काम करता है। हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो जबरदस्त काम करता है, क्योंकि जितनी भी हमारी रक्त वाहिनी नलियां होती है उनको पूरी तरह से साफ करने में मदद करता है धनिए का पानी। पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे खून को पूरी तरह से साफ करता है, इसीलिए ना स्किन संबंधी कोई रोग होता है, हार्ट की समस्या होती है और ना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसीलिए आप कुछ भी खाते हैं तो ये उसे पचा देता है बिल्कुल नेचुरली। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, शरीर में और भी बहुत सारी बीमारी आ रही है तो उसको भी रोकेगा और डायबिटीज को तो जड़ से बिल्कुल खत्म कर देगा, लेकिन रोजाना इसका सेवन आपको करना है। अब बात करते हैं परहेज की। तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले तो पानी की कमी शरीर में बिल्कुल नहीं रखनी है, आपको तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, जिसमें पैकेट वाले आइटम जितने भी आते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। हर चीजों पर फोकस किया, ध्यान रखा, परहेज किया तो ये बीमारी आपकी जड़ से ठीक हो सकती है। उसी के साथ में फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, खाना खाने से पहले सलाद का सेवन जरूर करना चाहिए। हो सके तो अपनी दिनचर्या को सबसे पहले बदलना चाहिए, तभी जाकर डायबिटीज को आप बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अगर जानकारी आज की थोड़ी सी भी यूजफुल है शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।